हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एचपी हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्लर्क प्रूफ रीडर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट। सुकेत स्टेट की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत स्टेट की स्थापना बीरसेन के द्वारा की गई थी। सन 765 ईस्वी के आसपास बीरसेन के द्वारा सुकेत स्टेट की स्थापना की गई थी। जो आज का मंडी ज़िला है, जो मंडी ज़िला है आज का, वो सुकेत स्टेट और सुकेत रियासत और मंडी रियासत को मिलाकर बना है। सुकेत रियासत की स्थापना पहले हुई थी। सुकेत रियासत की स्थापना मैंने बताया 765 ईस्वी में हो गई थी, वीरसेन ने की थी। लेकिन जो मंडी रियासत की स्थापना थी वो सुकेत वंश के बाहुसेन के द्वारा, मंडी स्टेट की स्थापना 1000 AD में हुई थी। ओके, तो सुकेत पहले एस्टेब्लिश हो गई थी, सुकेत स्टेट, मंडी स्टेट बाद में एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाना प्लान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो थाना प्लान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। डी इसका करेक्ट आंसर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एक, इसका नाम है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना ये 1926 में शुरू की गई थी, 1926 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी जब ये इसका निर्माण हुआ था शानन प्रोजेक्ट का, इसीलिए ही जो जोगिंद्रनगर वाली जो जोगिंद्रनगर पठानकोट वाली रेलवे लाइन है, इसका निर्माण भी इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो भी कच्चा माल था, सीमेंट वगैरह, इसके निर्माण के लिए, प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वो रेलगाड़ी द्वारा ही ले जाया गया था। ओके, तो सबसे पुरानी जो है 1926 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट ये बुक लिखी है डॉक्टर YS परमार ने, जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई है जिसका नाम है पोलेंट्री इन हिमालयास। पोलेंट्री इन हिमालयास इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में है निकोलस रॉरिक। ये निकोलस रॉरिक थे, ये नगर में इनकी आर्ट गैलरी है एक, ये कुल्लू में, मनाली में, मनाली के नगर में रहते थे और इन्होंने वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स हैं इनकी वहाँ पे। ये राइटर भी थे, एक्चुअली ये रशियन थे, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है हिमालयाज अबोज ऑफ लाइट, इनके द्वारा लिखी गई बुक है हिमालयाज अबोज ऑफ लाइट, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। देवराज शर्मा जो यहाँ पे दिए गए हैं राइटर, इनके द्वारा भी काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं। ये देवराज शर्मा के द्वारा बुक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इनके द्वारा, देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। एक और बुक है इनके द्वारा लिखी गई, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये दो बुक्स इनके द्वारा मेनली लिखी गई है। राहुल संकृत्यान जो हैं इनके द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं। इनके द्वारा एक तो किन्नर देश लिखा गया है, एक बुक का नाम है इनका किन्नर देश, और दूसरी है जो हिमालयन परिचय, हिमालय परिचय और किन्नर देश, इनके द्वारा दो बुक्स लिखी गई है। निकोलस रॉरिक की मैंने आपको बताई, हिमालयाज अबोज ऑफ लाइट, YS परमार इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, और दूसरी पोलेंड्री इन हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। पूर्णानंद को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था स्वामी पूर्णानंद को। ये मंडी जिला से संबंधित थे, ठीक है। शिवानंद रमौल जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित थे, शिवानंद रमौल। पंडित पद्मदेव ऑप्शन में है। इन्होंने जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था 18 फरवरी 1948 को, इसका जो सत्याग्रह था, इसका जो है ये लीड कर रहे थे इस अधिवेशन को, अधिवेशन नहीं सॉरी, इस सत्याग्रह हुआ था जो सुकेत सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को ये लीड कर रहे थे पंडित पद्मदेव, और इन्होंने तत्तापानी के रास्ते से जाकर वहाँ पे हमला किया था और जो है सुकेत सत्याग्रह सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। कौन सा दर्रा जो है लाहौल स्पीति के बीच में आता है? तो कुंजुम पास जो है या कुंजुम ला, ये लाहौल और स्पीति के बीच में है। ओके, कुंजुमला एनिमल पास कोई भी जो है दर्रा नहीं है,
कुगती पास ये चंबा और लाहौल के बीच में है, कुगती पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर। कालका शिमला रेल कब इनॉग्रेट हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी कालका शिमला ट्रेन की? तो कालका शिमला ट्रेन की शुरुआत वर्ष 1903 में हुई थी, वर्ष 1903 में कालका शिमला ट्रेन की शुरुआत की गई थी, और इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन उस समय के कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल टेस्टिंग लैब हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट। तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो सॉइल टेस्टिंग है, मिट्टी टेस्ट करने की लैब्स हैं, एक्सेप्ट लाहौल स्पीति में नहीं है, बाकी 11 जिलों में जो है सॉइल टेस्टिंग की लैब्स हैं लाहौल स्पीति को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयाज। कौन सी मोनेस्ट्री का नाम अजंता ऑफ हिमालयाज है? तो ताबो मोनेस्ट्री का नाम अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है या जाना जाता है इसे, अजंता ऑफ हिमालयाज ताबो मोनेस्ट्री को। ये जो ताबो मठ है ये 1975 में भूकंप के कारण नष्ट हो गया था, इसकी जो बिल्डिंग है ये टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी 1975 में, यहाँ पे भूकंप आया था इसकी वजह से इसको काफ़ी डैमेज हुआ था। अब ये की मोनेस्ट्री है जो, ये स्पीति नदी के किनारे है, ये भी 1975 में जब भूकंप आया था इसको भी काफ़ी डैमेज हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्पीकर विधानसभा के कौन थे, स्पीकर पूछा गया है, तो स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम पहले स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। शीला कौल ऑप्शन में है, शीला कौल कौन थे? शीला कौल जो थी ये हिमाचल प्रदेश की पहली गवर्नर थी, हिमाचल प्रदेश की 1995 से 1996 के बीच में ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही हैं, फर्स्ट गवर्नर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट विजय हजारे टाइटल। ये करंट अफेयर से आ गया था, तो उस टाइम लास्ट ईयर ये तमिलनाडु को हराकर जो है हिमाचल टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी क्रिकेट में। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, थैंक यू।